बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द चैनल फाइंड एंड सीख। पूरी मालूमात हासिल करने के लिए पूरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगला सवाल है, हमारे यहाँ अमूमन हनफी उलमा यानी बरेलवी और देवबंदी हजरात की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में कज़ाए उम्री की नमाज का एहतमाम किया जाता है। बाज़ उलमा इसे बिदअत कहते हैं और उनका मौक़िफ़ है कि सारी उम्र की कज़ा नमाजें एक नफरी नमाज से मुआफ़ नहीं हो सकती। इसके लिए आपको बालिग होने से लेकर तोबा करने तक की तमाम छूटी हुई नमाजें कज़ा करके पढ़नी होंगी, जबकि अहले हदीस उलमा सिर्फ तोबा को ही काफ़ी समझते हैं। इस हवाले से सही मौक़िफ़ क्या है? मेरा ख्याल है कि अहले हदीस उलमा का मौक़िफ़ जो है ना, वो काफ़ी मजबूत है और वो फिजिबल भी है इस हवाले से। बाकी रह गया हनफियों के ऊपर ये इल्ज़ाम है, हनफी पब्लिक ज़रूर ये काम करती है, लेकिन हनफी जो जय्यद उलमा है ना बरेलवियों और देवबंदियों के, वो कतम कज़ाए उम्री का जो चार नवाफिल वाला सिलसिला है जो जुम्मतुल वदा के दिन होता है, आखिरी जुम्मा रमज़ान का, उसमें वो कहते हैं कि आपने जुमे की नमाज के बाद चार रकत नफिल पढ़ने हैं और आज तक जितनी आपकी नमाजें इस तरह की थी कज़ा हुई भी उसका कफ़ारा वो चार नवाफिल बन जाएंगे। तो बकायदा फ़िका हनफी की किताबों में आप बाहर शरीयत भी खोल के देखें, उन्होंने इसे कंडेम किया है कि इसकी कोई असल नहीं है। ये अलग बात है कि वो कहते हैं कि इसकी असल नहीं है, लेकिन असल जो कज़ाए उम्री उनके नज़दीक ये है कि बालिग होने से लेकर नमाजें शुरू करने तक यानी तौबा करने तक, इस दौरान जितनी भी आपकी नमाजें 5 साल की, 10 साल या 20, 25, 30, 40 साल की भी छूटी हैं, वो एक एक करके उनके सब के फ़राइज़ आपको अदा करने होंगे, और जब तक वो रोज़ाना के हिसाब से आप 17 रखते हैं उनके नज़दीक आप अदा नहीं करेंगे, बल्कि वो 3 वितर भी उसमें शामिल करके 20 रखते हैं कहते हैं रोज़ की, यानी 2 फजर, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा, ये 17 होगी और 3 वितर वो कहते हैं, ये 20 रखते हैं। जब तक आप रोज़ाना के एतबार से वो पूरी गिनती पूरी नहीं करेंगे, अल्लाह ताला की बरगाह में आपका छुटकारा नहीं होगा नमाजों के हवाले से, ये उनका मौकिफ है, इसी को वो कज़ाए उम्री भी कहते हैं। तो ये एक बहुत एक्सट्रीम मेरा ख्याल है उन्होंने एक स्टांस लिया है, और ये स्टांस अगर आप किसी को बताएंगे तो ज़ाहिर है वो तो इस तसव्वुर से ही काम उठेगा। फिर उसका भी हाल उन्होंने रखा हुआ है, वो कहते हैं कि जी अगर एक शख्स ने 60 साल की उम्र में तौबा की है कि बस मैं आज से जो है वो नमाजों की नियत करता हूँ, तो वो कहते हैं वो अभी घर से नियत करके निकले और ये भी साथ नियत करे कि मैंने बालिग होने से लेकर आज तक आलमोस्ट जितनी 45 साल की जो नमाजें मेरी रहती हैं, 15 साल की उम्र में तो बालिग हो गया ना, और मैं इसकी कज़ा की भी नियत करता हूँ, तो वो रास्ते में मर जाए तो उम्मीद है अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा। वो साथ मुआफ़ी की भी उसको ना नवीद सुना देते हैं इस हवाले से, लेकिन ये खुद ज़हनी तौर पे बहुत टार्चर करने वाली बात है किसी को। वो कहते हैं देखें जी फ़र्ज जो है ना, जब तक आप उसकी अदायगी नहीं करेंगे वो अदा नहीं होगा। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मसला है जब तौबा कोई शख्स कर लेता है गुज़श्ता की ज़िंदगी से, तो फिर अब आइंदा की ज़िंदगी के हवाले से ही उससे बाज़पुरश होगी, सवाए हुकूकुल इबाद का जो मामला है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी ने जवानी में किसी की नाहक जायदाद दबा ली है तो बस तौबा से मुआफ़ हो जाएगी, नहीं, जो हुकूकुल इबाद का मामला है वो सारे के सारे हुकूक उसे पूरे करने होंगे। वो तो बड़ी सख्त हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि जानते हो कि मुफलिस कौन है, तो सहाबा ने अर्ज़ की कि हम तो मुफलिस उसी को समझते हैं जिसके पास दुनिया का मताओ माल दौलत वगैरह ना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत वाले दिन ढेरों ढेर नेकियां लेकर आया पहाड़ों के बराबर, जिसमें हज उम्रे और नमाजों की नेकियां भी थी, लेकिन इस हाल में अल्लाह के हुजूर पेश हुआ कि दुनिया में उसने किसी को मारा हुआ, किसी का खून बहाया, किसी को डराया और धमकाया नाहक। तो वो लोग क़यामत वाले दिन आकर अल्लाह ताला से कहेंगे कि आज हमें बदला चाहिए। अब आखिरत की जिंदगी की जो करंसी है वो तो नेकियां हैं, नोट तो है नहीं है, और मुआफी तलाफी भी जुबानी कलामी हो नहीं सकती। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब इसका हल यह है कि इस शख्स की नेकियां तुम्हारे नामे अमाल में डाली जाएंगी, तब बदला उतरेगा।
तो वो एक एक करके उससे नेकियां लेनी शुरू करेंगे हत्ता कि उसका नामा अमाल खाली हो जाएगा। बोले आज़ु बिल्लाह ताला। ये मौलाना शरीफ नहीं, सही मुस्लिम शरीफ है। फिर अभी भी कुछ लोग बाकी होंगे जिन्होंने जो है वो अपना बदला लेना होगा, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसकी नेकियां तो खत्म हो गई हैं, अब रिवर्स रिएक्शन शुरू करते हैं कि जिन लोगों ने इससे बदला लेना है ना, वो अपने गुनाह इसके नामे माल में डालना शुरू कर दें, हत्ता के अल्टीमेटली उसे जहन्नम का हुक्म हो जाएगा। और कई लोग उसकी नेकियां लेकर जो दुनिया में ज्यादतियां की हुई होंगी लोगों के साथ उसने, वो तो बच जाएंगे और उसकी सारी नमाजें, हज, जकात और बड़ी बड़ी नेकियां वो तो उससे जाती रहेंगी। ये हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है। अलबत्ता जहां तक हुकूकुल्लाह का ताल्लुक है उसमें अल्लाह ताला ने माफी वाला मामला किया हुआ है। सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि ईमान लाना पिछले के जितने गुना अगले जो गुजर चुके, उनको हम उर्दू में बोलते हैं अगले गुना, जो पहले गुजर चुके उनको माफ कर देता है। ईमान लाना, अल्लाह की राह में हिजरत करना अगले के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। और हज मबरूर, जो मकबूल हज है, वो भी अगले के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। ये तीन अमाल। लेकिन ये भी गुनाह जो है वो गुनाह, वो वाले गुनाह जिनका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है, हुकूकुल इबाद जो है ना, वो बंदों ने ही माफ करने हैं, आपने दुनिया में माफ करवाने हैं उनसे, या उनका हक पूरा नहीं कर सकते तो फिर किसी तरीके से माफी तलाफी वाला काम उन्हीं के साथ आपने करना है। अब नमाजें भी चुके हुकूकुल्लाह में आती हैं। इसकी कज़ाए उम्री का मामला यही है कि जो शख्स तौबा कर लेता है, बस आंदा से अब नमाजें जो उसकी रह जाए ना, वो साथ साथ अपनी पूरी करे। उनकी नमाज जो कजा है या फौत शुदा नमाजें, वो साथ साथ अदा करना जरूरी होगी। और इसमें एक और बड़ी खतरनाक चीज तो ये है कि सूरह अर-रूम में अल्लाह ताला ने फरमाया मुनीबीना इलैह, रुजू लाओ अल्लाह की तरफ, व अकीमुस्सलाह, और नमाज को कायम रखना, वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में ना हो जाना। नमाज छोड़ने वाला तो अल्लाह के नजदीक अमलन मुशरिक है। इसी को स्पोर्टिव 246 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक सही मुस्लिम में किताबुल ईमान चैप्टर में, कि बंदे के कुफ्र और ईमान, शिर्क और ईमान के दरमियान फर्क नमाज है। तो जो नमाज बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहा था तो वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में तो मुसलमान था, अल्लाह के हुजूर तो वैसे ही काफिर था। तो जब वो वैसे ही काफिर था और कलमा पढ़ के अब मुसलमान हुआ है, तो बस वो फिर उस गैर मुस्लिम की तरह ही है जो आज मुसलमान हुआ है, तो आप उससे कज़ाए उम्र नहीं करवाएंगे। और मजे की बात है, हनफी ये कहते हैं कि 60 साल का अगर कोई काफिर मुसलमान होना, वो कज़ाए उम्र नहीं करेगा। 60 साल का अगर मुसलमान मुसलमान हो जाए, यानी नमाजें शुरू कर दे, तो वो अपनी बालिग होने, यानी 14 या 15 साल की उम्र से लेके 60 साल तक की जो उम्र की नमाजें हैं वो अपनी कज़ा करेगा, इसलिए कि वो मुसलमान था। सर, वो आपके कागजों में मुसलमान था ना, अल्लाह के हुजूर मुसलमान कहां से था? जामिया तिर्मिजी में हदीस है, अब्दुल्ला बिन शकीक ताबी कहते हैं कि सहाबाए कराम नमाज छोड़ने के अलावा किसी गुनाह को कुफर शुमार नहीं करते थे, तारिकुस सलाह को वो काफिर समझते थे। ये छोटी बात है। तो अगर हनफियों का ज्यादा मसला है तो वो यही समझ रहे हैं कि अब ये मुसलमान हुआ है तो खुदा के लिए अब उसे नमाजें पढ़ने थे, फिर साथ साथ जो नमाजें वो पूरी करेगा, बाकी अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली आपके लिए एक कज़ाए उम्री इस हवाले से मामला रख दिया कि जो आप नफली इबादात करते हैं, जो हमारी फर्ज नमाजों के साथ जुड़ी हुई नफली इबादात हैं, जो अगरचे नमाज का हिस्सा नहीं है, अगर कोई छोड़ दे गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन उनका एक फायदा है सुन्नत मौकदा का। कि सुन्न अबी दाऊद में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब किसी शख्स के फराइज में कोताही निकलेगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे बंदे की नफली इबादतें तोलो और उन्हें फर्ज के बदले तोल लो और फर्ज की कमी उससे पूरी कर दी जाए। तो अगर नफली इबादत आपकी साथ होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके फर्जों की कोताही पूरी होती रहेगी। और वो 12 रखते हैं तो अल्लाह ताला ने सुन्नत मौकदा के तौर पे हमारे साथ रख दिए, जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 12 रखते पढ़ा करते थे।
चार जोर से पहले, दो जोहर के बाद, दो मगरिब के बाद, दो इशा के बाद और दो फजर से पहले, और तीन वितर अलग से सुन्नत है, ठीक है, वो आप पढ़ें। तो ये नफली इबादत आप रोजाना 12 और 3 15 हो गई, दो रखते अगर आपको अल्लाह तौफीक दे तो और पढ़ें, और वो इशा के वितर के बाद अगर दो नफिल पढ़ लिए जाएं तो तहज्जुद के इक्विवेलेंट है। मुसनद अहमद में और सुनन दारमी में इस हवाले से अहदीस मौजूद है, मेरी अलग से वीडियोस भी रिकॉर्डेड हैं इसमें। तो 17 नवाफिल तो ये ऑलमोस्ट हो जाते हैं खुद ब खुद ही। बाकी जो वितर की कजा जो है ना वो जरूरी नहीं है, जो पुरानी नमाजें छूटी उनमें आपने वितर भी कजा करने हैं, अलबत्त जो साथ साथ छूट जाए वो आप जरूर करें वितर कजा। सही बुखारी में आता है नबी अलैहिस्सलाम तो सफर में भी वितर की नमाज नहीं छोड़ते थे, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। तो वितर की एक ताकीद है, लेकिन नमाजें वही 5 फर्ज हैं और उसमें भी फर्ज रखते हैं, 2 फजर की, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब और 4 इशा, ये काफी है। तो ऑटोमेटिकली कजाए उमरी वाला मामला तो आपके साथ साथ नफली इबादत में चलेगा। अलबत्ता जो साथ साथ नमाजें आप तौबा करने के बाद छूटें वो आपने फिर साथ साथ पढ़नी है। उसके बारे में वो सही मुस्लिम में एक मशहूर हदीस है, ग़ज़वा खैबर से वापसी पर नबी अलैहिस्सलाम के साथ हजारों सहाबा का काफिला था और रात का काफी हिस्सा बीत चुका था, तो सहाबा को भी नींद आ रही थी। नबी अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, और हजरत बिलाल जो मुअज्जिन रसूल हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि वो सुबह फजर का वक्त शुरू होते ही हमें उठा देंगे। तो हजरत बिलाल जो है वो नवाफिल पढ़ना शुरू हो गए ताकि मुझे नींद ना आए, बस वो एक लम्हे के लिए इंसान ने सुस्ती दिखानी होती है ना। तो वो अपनी सवारी के ऊपर सवार हुए ऊंट के ऊपर, और मशरिक की तरफ जो पोप फूटती है ना सुबह सादिक शुरू होती है, जो खत्मे सेहरी और फजर का वक्त दाखिल होता है, उसको देखने के लिए। जब फजर का वक्त करीब आने वाला था ना तो उनकी भी अचानक आंख लग गई, और ऐसी आंख लगी कि सूरज खूब बुलंद हुआ तो आंख खुली। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली और उसके बाद बाकी साहब की खुलनी शुरू हुई। अब लोग बड़े परेशान हुए कि फजर की नमाज छूट गई है और अल्लाह के नबी की भी नमाज छूट गई, और हजरत बिलाल को नबी अलैहिस्सलाम ने बुला के पूछा कि भाई तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी। आप देखें जी लोग कितने फ्रैंक थे, उनका यार रसूलल्लाह जिस अल्लाह ने आप पे नींद का गलबा किया उसने मेरे पे भी कर दिया, कोई 295 सी नहीं लगी सर। ये मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बात की कि आपको भी नींद आई है ना, मुझे भी आ गई, मैं भी इंसान हूं। आप लाख कहते रहे कि जी वो शेख अब्दुल कादर जिलानी और इमाम मुनीफा जो हैं वो 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे, और इससे बड़ी कहानी आप ये करवाते हैं कि जी वो एक सहाबी के घोड़े के कदमों की जो खाक उड़ के उस घोड़े के नथनों में बैठती है ना, उसको भी कोई बुजुर्ग, कोई इमाम मुनीफा, कोई इमाम शाफी, कोई अब्दुल कादर जिलानी, कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग उस घोड़े के नथनों में बैठने वाली खाक जो उस घोड़े के कदमों से उठती है, साहबी के कदमों से नहीं, उसको नहीं पहुंच सकता। लेकिन वो साहबी जो है वो कहते हैं अदना साहबी, तो ये अदना साहबी भी नहीं थे, हजरत बिलाल थे, वो भी सो गए, कोई इशा के वजू से उन्होंने फजर नहीं पढ़ी। और इससे भी बढ़ के जो आपने कवाली एक मशहूर की हुई है कि हजरत बिलाल ने एक दफा अजान नहीं दी थी तो सूरज नहीं निकला था, ये कहानी शरीफ है, ये मौलाना शरीफ है, और मैं मुस्लिम शरीफ बयान कर रहा हूं। तो मुस्लिम शरीफ में तो हजरत बिलाल की इज्जत जब स्टेक पे लगी थी तो वो होना तो चाहिए था उस दिन सूरज ना निकलता, तो सूरज निकला जनाब, ऐसा निकला हजारों सहाबा की नमाज भी हजरत बिलाल अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर सके नींद के गलबे की वजह से, और उनकी नमाज फौत हो गई। तो उस मौके पे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहले तो यहां से उठो, निकले हम यहां से। अलमोता इमाम मालिक में इसको स्पोर्टिव एक और तरीक भी है, और ये दोनों तरीक आपको मिश्कात की पहली जिल्द में मिल जाएंगे, मुस्लिम शरीफ वाला भी और अलमोता इमाम मालिक वाला। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इस जगह पे शैतान का गलबा, यहां से उठ के हम आगे जाते हैं। फिर मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं आगे जाके आप अलैहिस्सलाम ने एक जगह पड़ाव किया, हजरत बिलाल से कहा कि इकामत कहो, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ सूरज निकला हुआ नमाज अदा की।
और फिर सलाम फेरने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स सो जाए या भूल जाए तो जब उसे याद आए और जब वो नींद से उठे वो नमाज अदा कर ले, उसके लिए नमाज का वही वक्त है। और फिर आपने सूरह ताहा की वो आयत तिलावत की, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअक़िमिस सलाता लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज को कायम रखना। तो मकसद तो अल्लाह को याद रखना है ना। अगर कभी नींद का गलबा हो गया तो आप नमाज फिर उस वक्त अदा करेंगे। इस हदीस से ये बात पता चली कि फिर नमाज के जो कजा का तसव्वुर हमारे यहां उमूमन पाया जाता है ना, इसकी कोई असल नहीं है। अगर कोई भूल जाए या सो गया तो जब वो उठेगा तो उसके लिए नमाज का वक्त वो हो जाएगा। मसलन अगर एक शख्स जोर के बाद उसकी आंख लगी और जाके इशा के वक्त में खुली तो बस इशा के वक्त में जाके असर मगरिब इशा पढ़ ले। इसकी रूटीन ना बनाइए ना, मैं इसकी को तरगीब दिला रहा हूं कि रोजाना फजर आप 10 बजे उठ के पढ़ें या 8 बजे ऑफिस जाने से पहले पढ़ें कभी कभार। तो ये जो कहा था नमाज कजा, अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं जी कजा नमाज का तरीका बताएं जी, वो तरीका क्या है यार, जो नमाज रह गई उसको पढ़ लो, और जुबान से तो नीयत करनी भी नहीं होती, दिल में वो आपके लिए वही है। अगर आप लेट उठे हैं तो आप कहें मैं फजर की नमाज पढ़ रहा हूं, अपने दिल में नीयत करें। उसमें यह नहीं कहना होता कि आज जाली जड़ी फजर रह गई सी ओ मैं कजा कर रहा, यानी काल लाली रह गई सी वो कर रहे हैं, बस अपने जहन में हाजिर की कि नमाज है, वो नमाज का वक्त आपके लिए वही है। ये कजा की टर्म तो फुकहा ने डिफाइन की है ना, अदरवाइज अहदीस में आया नमाज का फौत हो जाना, जिस तरह सही बुखारी में आता है मौला अली कहते हैं कि नबी इस्लाम ने कहा अल्लाह ताला इन काफरों के घरों को आग से भर दे, इन्होंने हमारी सलातुल वुस्ता फौत करवा दी। यानी वो खंदक की परली तरफ से चूंकि तीर आ रहे थे उसकी वजह से मुसलमान जख्मी हो जाते थे, तो असर की नमाज नबी इस्लाम की जो है वो आपके लैंग्वेज में कजा हो गई, यानी वक्त गुजर गया और आपने जाके फिर नमाज वो मगरिब के वक्त में जाके पहले असर की नमाज अदा की फिर मगरिब की नमाज अदा की। तो इस तरीके से नमाज कभी छूट गई है तो आप बाद में जब आपको मौका मिले आप उसी वक्त नमाज पढ़ लें, लेकिन तौबा करने के बाद साथ साथ अपनी नमाजें पूरी करते रहें। यह नहीं है कि एक बंदे की नमाज अब छूटी है तो अब वो कह रही मैंने तौबा कर लिया तो माफ हो गया, नहीं, ये उस सूरत में है जब वो सिरे से नमाज पढ़ता ही नहीं था। जब वो नमाज पढ़ना शुरू करेगा तो अब बस एक दिन से बेंच मार्क करें, उसके बाद से वो फिर साथ साथ अपनी पढ़ेगा। लिहाजा ये बिल्कुल अहले हदीस कहीं ये नहीं कहते हैं कि जो साथ साथ आपकी नमाजें छूट रही हैं वो तौबा से माफ होंगी। वो कहते हैं जो पुरानी आप 20-25-30-30 सालों की लोगों को कह रहे हैं ना कापियां बनाओ और डायरियां बनाओ, डायरी तो हमने खुद दावत इस्लामी में ना वो लोगों को तरगीब दिलाते थे उनकी डायरियां बनवाते थे, मैं तो अल्लाह का शुक्र है हमने तो बाले होने से पहले ही नमाजें पढ़ा है, लेकिन लोगों की डायरियां हम बनवाया करते थे। और फिर बाद में खैर एक नया मसला उन्होंने कहा कि जी वो जिसने तजवीद से नमाज नहीं पढ़ी हुई ना वो भी अपनी कज़ाए उम्र दोबारा से करे, अल्हम्द को पढ़ता रहे, तो फिर मजबूर हमें भी एक छोटी सी डायरी बनानी पड़ी। हालांकि ये भी कोई इशू नहीं है, अगर कोई नमाज पढ़ता रहे उस वक्त उसको अरबी उसकी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त नहीं थी तो जब ठीक होगी बस उस वक्त से वो आगे मामलात को लेकर चलना शुरू कर दे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको हंगामा खड़े करने की जरूरत नहीं है। तो कज़ाए उम्री का कॉन्सेप्ट जो हमारे माशरे में रिवाज पकड़ गया, एक तो इतना बेहुदा है कि उसे बरेलवी देवबंदी भी नहीं मानते, वो जुम्मतुल वदा के दिन जो चार रकतें पढ़ी जाती हैं। दूसरा जो बरेलवी देवबंदी यानी हनफी लोग बताते हैं कि आपने बालिग होने से लेकर तौबा करने तक की सारी नमाजें पढ़नी है, ये इलॉजिकल है, इसकी कोई इस एतबार से असल नहीं है। अलबत्ता तौबा करने के बाद साथ साथ जो आपकी नमाजें छूट रही हैं वो आपने साथ साथ अपनी गिनती पूरी करनी है, और जब नमाज एक दफ़ा आपका वक्त छूट गया तो फिर सुन्नत की कजा करने की जरूरत नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं ज़रूर पढ़ें, फ़र्ज खाली पढ़ लेने काफ़ी, आम हालत में भी फ़र्ज पढ़ लेना काफ़ी है। वो कई लोग पूछ रहे होते हैं जी फजर की सुन्नतें भी कजा करनी है, यार फजर के फ़र्ज तो पढ़ लो मेरे भाई, सुन्नत आपने बेशक पढ़नी पड़े, सही बुखारी में हदीस है, सही बुखारी में भी है सही मुस्लिम में भी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दफ़ा दो रकतें रह गई थी सुन्नत जो नफली नमाज है सुन्नत मौकदा जोहर के बाद वाली, तो आपने असर के बाद उन दो रकतों को पढ़ा, तो सुन्नत भी आप वक्त गुजर गया तो आप पढ़ सकते हैं। ये 12 सुन्नत मौकदा दिन रात में पूरी करनी है, जो सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला जन्नत में महल देगा जो दिन रात में फर्ज के अलावा 12 रकतें पढ़ेगा, और वो बुखारी मुस्लिम दोनों में आई हैं।
चार जोर से पहले, दो जोर के बाद, दो मगरिब के बाद, दो इशा के बाद, दो फजर से पहले। और ये हदीस इतनी रिकत अंगेज है सही मुस्लिम के अंदर, वो ये हदीस जो शख्स बयान करता है ना, वो अपने नजा के आलम में बयान करता है। और इस खुशी के साथ कि मैं अब अल्लाह के पास जा रहा हूं तो जन्नत में एक महल मेरा इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि मैंने 12 रकते अपनी जिंदगी में नहीं छोड़ी। वो नजा के आलम में तबा तबा ताबी जो है ना, वो तबा ताबी को ये हदीस सुनाते हैं, और के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो 12 रकते पढ़ेगा तो उसे अल्लाह जन्नत में महल देगा। और वो फिर कहते हैं जब से मैंने उस शख्स से ये हदीस सुनी है ना, मैंने 12 रकते नहीं छोड़ी। ठीक है, फिर वो जो तबा ताबी है ना, वो कहता है जब से मैंने वो ताबी से सुनी है, मैंने ये रकते नहीं छोड़ी। इस तरह ऊपर चेन करते करते सैयदा उम्मे हबीबा, हमारी मां जो है उम्मुल मोमिनीन, अब वो कहती है मैंने अपनी जिंदगी पूरी में ये रकते नहीं छोड़ी जब से मैंने रसूलुल्लाह से सुना। और उम्मे हबीबा से जो सुनने वाला ताबी है, उनका भाई छोटा, वो भी कहता है जब से मैंने उम्मे हबीबा से सुना, मैंने ये रकते नहीं छोड़ी। उनसे आगे जो तबा ताबी सुनता है, वो कहता है जब से मैंने उम्मे हबीबा के भाई ताबी से ये हदीस सुनी है, मैंने ये 12 रकते नहीं छोड़ी है। और वो 12 रखते हैं चार जोर से पहले, दो जोर के बाद, दो मगरिब के बाद, दो इशा के बाद, दो फजर से पहले। अच्छा, बुखारी में एक हदीस में अब्दुल्ला बिन उमर ने दो रखते भी जोर से पहले बताई हैं। तो वो दो रखते उन्होंने ऑब्जर्व की थी, दो सकता है नबी इस्लाम अपने हुजरे में पढ़ के आए हो, जबकि अलग अहदीस में जब 12 रखते मौजूद हैं तो बुखारी में ही है कि जोर से पहले आपकी रूटीन 4 रखतों की थी, और 4 रखते दो दो करके पढ़ना अफजल है, इकट्ठी एक भी 4 रखते पढ़ ली जाए तो वो भी यानी आपके लिए जवाब मौजूद है। मुसन्नफ अब्दुल रजाक के अंदर, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर, अब्दुल्ला बिन उमर से बाकी असहाब से मौजूद है कि वो जो दिन के नवाफिल हैं उनको इकट्ठा भी 4 रकतों को यानी सुन्नत मुअक्कदा को पढ़ लेते थे, रात वालों को अलग अलग करके पढ़ते थे। इस पर भी मेरी अलग से वीडियोज रिकॉर्डेड मौजूद हैं। तो कज़ाए उमरी का आपके पास जो ये बर्डन है, इसको अपने आप ज़हन से उतारें, नमाज जो साथ साथ है वो पढ़ते जाएं। वितर के बारे में भी आया अबू दाऊद तिर्मिज़ी में, नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो शख्स वितर की रात को नमाज ना पढ़ सके, सो गया, भूल गया, तो सुबह के वक्त वो पढ़ लें। ठीक है, तो यानी सुबह से मुराद में तहज्जुद नहीं कह रहा, वो तो अफजल है, यानी फजर के बाद भी वो पढ़ सकता है अगर उसका टाइम रह गया, वैसे वो रात को पढ़ लें, इशराक के वक्त में भी जाके पढ़ सकता है। और इसमें कोई नहीं है कि लोग कहते हैं वो जनाब आज की फजर छूटी है तो आज ही वो पढ़नी होगी, बेहतर तो है आप जोर से पहले पहले उसे पढ़ लें, लेकिन नहीं पढ़ी गई, इशा के वक्त पढ़ लें। इस तरीके से सुन्नत मौकदा दिन के वक्त कोई छूट गई है, रात को इशा के वक्त सारी पूरी कर लें 12 रखते, ताकि वो मुल्फाज है दिन रात में जो 12 रखते कायम रखेगा। तो अगर रह गई है तो नबी इस्लाम की भी तो रह गई थी, आपने भी उसको जगह से हटा के पढ़ लिया तो 12 की गिनती आपने पूरी की। इस तरह अगर आज ही फजर रहेगी, नहीं याद रही, कल पढ़ लें। और वो फिर कई लोगों ने भी मशहूर किया हुआ कि अगले दिन वो फिर फजर के साथ वो फजर पढ़नी है, वो सर जिस टाइम मर्जी पढ़े। और ये नमाजें तो वो हैं जो आप फजर और असर के बाद भी पढ़ सकते हैं, जिन औकात में बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन कजा नमाज आप उस वक्त भी पढ़ सकते हैं, फजर के फर्ज के बाद भी और असर के फर्ज के बाद भी। यानी उमूमन इस चीज को पसंद नहीं किया गया कि उस औकात में और कोई नमाज पढ़ी जाए, लेकिन कजा नमाज के लिए आप कोई भी वक्त सवाए वो 3 मकरू औकात हैं, सूरज निकलते वक्त जब वो सूरज की वो टिकिया बाहर आ रही हो, यानी वो गोल टिकिया उसकी, और जब गुरूब हो रही हो, और जब सेंटर में हो, उसके अलावा आप किसी भी वक्त में कजा नमाज पढ़ सकते हैं। तो आज की इस हवाले से गुफ्तगू का कंक्लूजन ये हुआ कि कजाए उमरी कोई चीज़ नहीं है, पुरानी जो ज़िंदगी में कजा नमाजें हुई अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी की उम्मीद है, टेंशन ना लें, ऑटोमेटिकली नफली इबादत आपकी उस गलती का कफारा भी बनते जाएंगे अगर आपको ज़्यादा टेंशन है, अदरवाइज तौबा भी काफ़ी है। और जो तौबा करने के बाद साथ साथ नमाजें कजा होती हैं वो करना ज़रूरी है, वो कोई नहीं कहता कि जिसको भी आप लादा से ढेरी बनाते जाएं वो माफ़ नहीं होगी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो पुरानी कई सालों की हैं वो ज़ाहिर कौन हिसाब रख के करे, इस तरीके से वो कहते हैं कज़ाए उमरी के रोज़े भी होते हैं, नमाज़ा नहीं सिर्फ, वो रोज़े भी कहते हैं और ज़कात भी बताते हैं। अब ज़कात तो फिर भी चलो बंदा निकाल सकता है, उसके लिए कोई एफर्ट पुट नहीं करनी, एक नियत ही करनी है अपने माल में से पैसा निकालने की, लेकिन रोज़े अगर किसी को 10 साल के या 15, 20, 25 साल के रखने पड़ जाएँ, वो तो एक रमज़ान के रोज़े रखना माहौल में रखे जाते हैं, अदरवाइज़ तो एक नफली रोज़ा रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो बस ठीक है, तौबा किया अल्लाह से, उम्मीद है अल्लाह ताला माफ़ करेगा, अब आगे मामलात को लेके चले। हुकूकुल इबाद अलबत्ता माफ़ नहीं होंगे, अगर किसी ने अपनी बहन की जदाद, भाइयों की जदाद दबा ली, किसी का माल हथिया लिया,
ढूंढ ढूंढ के उसको वो चीज़ें वापस करना होंगी। अगर वो मर चुके हैं उनकी औलाद को उस एतबार से रेशो प्रोपोर्शन के साथ देनी होगी, वो आपकी नमाजें पढ़ने से या खाली तौबा तायब होने से वो चीज़ें मुआफ नहीं होंगी। ठीक हो गया जी। तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दीन को फैलाने की गर्ज से सदक़े जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।